नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य भर के सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों के साथ स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और बाजार 15 अगस्त को बंद नहीं रहेंगे। इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस साल पूरे राज्य में कहीं कोई छुट्टी नहीं रहेगी। इस फैसले की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य भर के सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों के साथ स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और बाजार 15 अगस्त को बंद नहीं रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस साल पूरे प्रदेश में कहीं कोई छुट्टी नहीं रहेगी। योगी सरकार ने फरमान जारी किया है कि स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश में कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सरकारी या गैर सरकारी दफ्तर और बाजार बंद नहीं रहेंगे, सब खुला रहेगा। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर पूरे देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में यूपी सरकार ने ये फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी स्कूल, कॉलेजों और संस्थानों पर सफाई का कार्यक्रम आयोजित होगा और 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। इसमें सभी घरों और सरकारी गैर सरकारी दफ्तरों और संस्थानों में सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा फहराया जाएगा कि योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रदेश के लोगों से अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए कहा है। सीएम ने कहा, हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत 2,68,00,000 घरों और 50,00,000 गवर्नमेंट ऑफिस पर तिरंगा होना चाहिए। हर घर तिरंगा कार्यक्रम से लोगों को जोड़ने की जरूरत है। इसके साथ ही युवाओं के लिए सेल्फी विद तिरंगा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। इस तरह की सेल्फी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके साथ ही कानपुर के श्यामलाल गुप्ता के झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की प्रतियां सभी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आपको बता दें कि 12 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर अमृत महोत्सव के संबंध में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई थी। उन्होंने संस्कृति विभाग के सामुदायिक रेडियो जयघोष के थीम सॉन्ग और हर घर तिरंगा कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन भी किया था। योगी सरकार का फैसला तो सराहनीय है, लेकिन विपक्ष को इसमें भी कोई राजनीतिक चाल नजर आ जाएगी। जल्द ही अखिलेश यादव और मायावती का ट्वीट भी सामने आ जाएगा। इस्लामिक कट्टरपंथी भी कहेंगे कि हर घर के ऊपर तिरंगा ही क्यों फहराना है, पीएफआई का झंडा भी तो फहरा सकते हैं, योगी जी देश की अखंडता के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ऐसे बयान जल्द ही आपके सामने होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।